अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम जिशान अकबर है। इस वीडियो में हम ग्रेविटी डैम के लिए वेट कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी गिवन ग्रेविटी डैम हो, जैसे राइट साइड पे आप देख सकते हैं दो एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ग्रेविटी डैम इज़ अ डैम विच सस्टेन्स ऑल द फोर्सेज, ऑल द टॉपलिंग फोर्सेज, ऑल द डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेज ड्यू टू इट्स वेट ओनली। कि एक हैवी वेट डैम होता है जो सिर्फ अपने इस वेट की वजह से, अपने कॉन्क्रीट मैस की वजह से सारी जो एक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इसको टॉपल करने की कोशिश करती हैं, इसको स्लाइड करने की कोशिश करती हैं, इसको टर्न करने की कोशिश करती हैं, इसमें शीयर फेलियर या क्रैक्स या टेंशन डेवलप करने की कोशिश करती हैं, तो ये सारी की सारी फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ अपने वेट की वजह से रिजिस्ट करता है। तो ऐसे वेट, ऐसा जो डैम है उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ ग्रेविटी डैम। ये भी ग्रेविटी डैम की एग्जाम्पल है ड्यू टू वेट्स। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अ डैम which resists all the forces, all the destabilizing forces which try to topple the dam due to its weight only. ke tamam forces ko resist karta hai jo bhi isko topple karne ki koshish karti hain, tamam forces jo isko topple ya isko failure ki taraf le jane ki koshish karti hain, aisi forces ko sirf aur sirf apne weight ki wajah se resist karta hai. so these forces are the active forces and the weight of the dam act as the reactive force for those forces. तो उस वेट बेसिकली हमने उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड करना है, मीन हम उसका वेट फाइंड करेंगे कि ग्रेविटी डैम को वेट को डिटरमिन कैसे करना। तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो सकती हैं डैम की, उसको हम उस रेगुलर शेप के पैटर्न में सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड की है। लेट अस सपोज हमारे पास ये डैम है, एक इसका वो सेक्शन है डैम का, इसका अगर हमने वेट डिटरमिन करना हो, टोटल वेट, वेट ऑफ डैम, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एज अ होल मैस हम इसका डैम कैलकुलेट नहीं कर सकते, देन वी विल नीड टू डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट पोर्शंस। और इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड होल, ये एक रूल है इसका, होल डायग्राम इनटू रेगुलर शेप्स। तो इसको आप रेगुलर शेप्स में डिवाइड करें डायग्राम को और उनका एरिया कैलकुलेट करें। देन पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने इस डायग्राम को रेगुलर डायग्राम्स में चेंज करना, या रेगुलर शेप, अब रेगुलर शेप्स दो ही होती हैं, या तो ट्रायंगल होगी या फिर रेक्टेंगल होगी। तो आपने या तो डैम को ट्रायंगल या रेक्टेंगल, इन दो के अलावा तीसरी फॉर्म में चेंज नहीं करना, यही दो चलती हैं। दूसरा स्टेप होगा आप उन डायग्राम्स का एरिया फाइंड करेंगे कि हर डायग्राम का एरिया कितना। लेट अस सपोज हमारी चार डायग्राम्स हैं, तो आप चार एरियाज फाइंड करेंगे हर डायग्राम का, एक एरिया A1, A2, A3 एंड A4, और उन सबको आपने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट ये नॉर्मली फिक्स होता है गैमा सी, इसको गैमा सी बोलते हैं हम। गैमा सी इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर SI यूनिट्स, एंड गैमा सी इज इक्वल टू 150 PCF पाउंड्स पर क्यूबिक फिट है फॉर इंग्लिश यूनिट्स, फॉर FPS सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो ये आप डिपेंड करेगा कि आपकी लेंथ, विड्थ और किस यूनिट में है। अगर ये मीटर्स के अंदर है देन यू विल यूज 24, एंड इफ दे आर इन फिट देन यू विल यूज 150 PCF। और जब आप इस एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे गैमा सी से, इट विल गिव यू दी वेट, W1 फर्स्ट शेप का वेट, W2, W3 एंड W4। अगर हम इस डैम को देखें, ये इरेगुलर शेप है, तो इस इरेगुलर शेप को रेगुलर शेप में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखें यहाँ पे रुकें, यहाँ से मूव करना शुरू करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें, और पहला पॉइंट देखें कहाँ है, यहाँ से आपने बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितने भी आपको ब्रेक पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम दिस पॉइंट मूव करें और इस पॉइंट तक जाएं, बॉटम से भी टॉप से। अब बॉटम से कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट नहीं है, इट मींस हमें टॉप से जाना है, तो यहाँ से ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ कोई वाटर है सारा, ज़रूरत नहीं है। अगला ब्रेक पॉइंट ये है, यहाँ से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इससे आगे मूव करेंगे हम, चलते जाएंगे, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट दिस वन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन मूव करें आगे, एम्प्टी स्पेस है, फिर आप नीचे आ जाएं, ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ से ड्रा होगी, वर्टिकल भी ड्रा होगी। अब जब ये लाइंस ड्रा कर लेंगे तो आप देखें ये वाली जो फिगर है, ये वाली, दिस इज अ ट्राइंगल, ये वाली जो फिगर है इससे अगली, इसको मैं कहता हूँ दिस इज फिगर नंबर वन, इससे अगली जो फिगर है दिस इज रेक्टेंगल फिगर नंबर टू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिगर नंबर वन दिस इज अ ट्राइंगल, फिगर नंबर टू दिस इज अ रेक्टेंगल, देन मूव टूवर्ड्स दिस इज फिगर नंबर थ्री एंड दिस इज अ ट्राइंगल, फिगर नंबर थ्री इज अ ट्राइंगल, देन दिस इज अ रेक्टेंगल एंड फिगर नंबर फोर, फिगर नंबर फोर दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज फिगर नंबर फाइव दिस इज अ ट्राइंगल, फिगर नंबर फाइव एंड दिस इज अ ट्राइंगल। तो बेसिकली हम इसको शेड भी कर सकते हैं, इसको शेड करें कि एक फिगर हमने राइट आउट कर लिया, मीन इसका रिजॉल्व हो चुका, ये रेगुलर है, फिर दूसरे को शेड कर लें, इसको मार्क करें। इस मार्किंग से फ़ायदा ये होगा फिगर नंबर थ्री को मार्क करें कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने पूरे डैम बॉडी को कवर कर लिया या नहीं कर लिया। फिगर नंबर फाइव, तो टोटल हमारे डैम के अंदर फाइव फिगर्स हैं और उन सबको हमने कवर कर लिया। लेकिन हम मैं इसको वन बाय वन डील करूँगा ताकि आपको कोई इशू ना हो, मतलब समझने में कोई इशू ना हो। तो टोटल पांच फिगर्स हैं, मेन मुझे एक W1 चाहिए, W2 चाहिए, W3, W4 एंड W5। ये W लेने के लिए मुझे A1 चाहिए, गैमा C से मल्टीप्लाई करूँगा, A2 चाहिए उसको गैमा C से मल्टीप्लाई करूँगा, A3 चाहिए इसको गैमा C से मल्टीप्लाई करूँगा, A4 गैमा C एंड A5 गैमा C। अब गैमा सी इज़ नोन, गैमा सी बिकॉज हेयर डायमेंशन आर मीटर, सो यू कैन से दैट द यूनिट वेट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इन सम बुक्स इट इज़ रिटन एज 23.5 एज वेल, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स बुक यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ 24 और 23.5 व्हाट एवर यू वांट, बट आई विल डू विद द हेल्प ऑफ 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो मुझे पांच वेट्स चाहिए, उनके लिए मुझे पांच एरियाज रिक्वायर्ड है, और गैमा सी की वैल्यू फिक्स है कि एसआई यूनिट्स हैं तो मैं इसको 24 यूज करूंगा। ए वन लेना है किसी भी, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैंने फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे हर फिगर के लिए बेस और हाइट चाहिए, अगर रेक्टेंगल हो कोई भी इस तरह से तो उसकी लेंथ इंटू विड्थ, ये मुझे रिक्वायर्ड होती है इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री पे गौर करना है, तो मैं वन बाय वन मैं इसको पार्ट वन जो है उसको डील करूँगा। पार्ट वन हैज अ वेट ऑफ W1 एंड इट्स फॉर्मूला विल बी A1 गामा C। नाउ सारी एफर्ट मुझे A1 के लिए करनी है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वही वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, और इसको मैं शेड कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ इस स्टेप के अंदर इस एरिया को कंसिडर करूँगा। अब इस एरिया को आप अलहदा से एक ट्राइंगल जैसे ये बनी हुई है वैसे ही बना, बिल्कुल उसी अरेंजमेंट से, ये स्टेप बाय स्टेप करने का मकसद सिर्फ आपको समझाना है। और यहाँ से यहाँ तक हाइट देखें, नोट डाउन कर लें कितनी है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट द हाइट ऑफ द टोटल डैम के इस फिगर, ये टॉप से बॉटम तक है तो 18 मीटर है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 18 मीटर। उन्होंने फिगर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है वन टू, इसका मतलब क्या है, अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। इट मींस दैट इफ यू विल मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू विल कवर वन मीटर ऑफ डिस्टेंस, कि अगर आप इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो आप वन मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। इस वन मीटर डिस्टेंस के साथ साथ आप वर्टिकली, अगर आप हॉरिजॉन्टली वन मीटर चलते हैं तो फिर आप वर्टिकली कितना चलेंगे, टू मीटर। मतलब अगर आप इस लाइन पे चढ़ना शुरू करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में एक मीटर कवर करेंगे और इस डायरेक्शन में दो मीटर कवर करेंगे वर्टिकली, इस तरह से, ये मतलब है इसका, हॉरिजॉन्टल वन एंड वर्टिकल टू। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो वर्टिकल मूवमेंट है दैट इज टू टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इट मीन्स अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी,
मीन ये टू है तो ये वन है, मीन ये इसका ये इस वैल्यू का हाफ है। मीन अगर ये 10 है इट विल बी 5, अगर ये 20 हो जाती है इट विल बी 10। तो वर्टिकल जितना होगा हॉरिजॉन्टल उसका हाफ होगा, इसका ये मतलब है। वर्टिकल अगर 2 है तो 1 उसका हाफ है सिंपली। तो मीन वर्टिकल में 18 मीटर्स है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल फिर कितनी होगी अगर इस लाइन को फॉलो कर, यहां से फॉलो करते हैं और एंड तक जाते हैं, तो इफ वर्टिकल इज 9 मीटर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इफ वर्टिकल इज 2 टाइम्स देन हॉरिजॉन्टल इज सिंगल। मीन इफ वर्टिकल इज 18 मीटर सो इट विल बी 18 मीटर बाय 2, सिंपली इट इज 9 मीटर्स। सो वी कैन से दैट आवर ट्राइंगल हैज अ डायमेंशन ऑफ 9 मीटर बेस एंड 18 मीटर ऑफ हाइट। सिंपली अगर हम दोबारा इसको ड्रॉ करें फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी ये जो हाइट है दिस इज 18 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। अब आप इसका एरिया फाइंड करें। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इज 9 मीटर एंड हाइट इज 18 मीटर। दिस विल बी डिडक्टेड विद दिस, देयर इज 18 मीटर। 9 9 आर 81 मीटर स्क्वेयर। सो A1 इज एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर और फर्स्ट पार्ट ऑफ द डैम डायग्राम इज 81। सो आई वॉन्ट टू डिटरमिन द वेट W1 दैट इज इक्वल टू गैमा सी इंटू A1। वट इज गैमा सी? दिस इज 24 kN पर मीटर क्यूब और पर क्यूबिक मीटर इंटू A1 इज 81 मीटर स्क्वेयर। सो मीटर स्क्वेयर विल बी डिडक्टेड विद क्यूब एंड 1 मीटर विल बी लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 81 से, तो इसको आप साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं आफ्टर स्टॉपिंग द वीडियो, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग क्लियरली। दिस विल बी 9 1944 kN पर मीटर। तो आपके पास W1 जो आ गया वेट, दैट इज 1944 kN पर मीटर। अब ये पर मीटर का मतलब क्या? वेट तो किलो न्यूटन में होता है, तो पर मीटर सेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पेज वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द डैम। हमें विड्थ ऑफ डैम पता है, हमें हाइट ऑफ डैम पता है, लेकिन हमें लेंथ ऑफ डैम नहीं पता। तो एक डायमेंशन हम जो नहीं जानते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज 1 मीटर। सिंपली वी कैन से दैट दिस फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द डैम वी हैव अ वेट ऑफ 1944 kN। अब सेम सिनेरियो से अगर ये क्लियर है, तो इसी तरह से हम दूसरे सिनेरियो पे जाएंगे। तो ये हो चुकी है, मतलब ये डायग्राम हम कर चुके हैं। तो डायग्राम नंबर 2 वाज दिस वन, दिस वाज अ रेक्टेंगल। डायग्राम 2 वी नीड द W2, इट विल बी इक्वल टू A2 इनटू गामा सी। वी नीड A2 एंड गामा सी इज 24। A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल का एरिया B इंटू H होता है। यहाँ पे हमें पता है, इस अगर डायग्राम को हम ड्रॉ कर लें अलहदा से, तो इसकी बेस कितनी है? 3 मीटर ये वाली, और हाइट कितनी है? वही 19 मीटर, क्योंकि ये फिगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, तो 18 मीटर। तो H इज 18 मीटर एंड B इज 3 मीटर। सो कैन से दैट B इज 3 मीटर एंड H इज 18 मीटर, सो इट विल बी 54 मीटर स्क्वेयर। सो A2 इज हेयर, we can calculate the W2, it will be A2 into gamma C. A2 is 54 meter square and gamma C is 24 kN per meter cube. W2 will be finally, kitna hoga? 54 times 24, that will be 1296 किलो न्यूटन पर मीटर। स्पीयर क्यूब है तो 1 मीटर बच जाएगा डिनोमिनेटर में फॉर द यूनिट लेंथ ऑफ द डैम। सो W2 हेयर इज 1296 kN पर मीटर। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट हमने कहा था वो यहां से मूव करके यहां तक था, ये ट्राइंगल था। सो फॉर वेट ऑफ थर्ड पार्ट W3, we want to know the area of third part
into gamma c, what will be the area of third part? Because this is a triangle, ये triangle है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 1 by 2 base into height. अब इस triangle को मैं थोड़ा सा side पे करके, थोड़ा सा इसको बड़ा करके draw करता हूँ, ताकि sorry. ये इस तरह की ट्राइंगल देखें, ये यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, तो इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर्स. तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल है 6 मीटर. व्हाट विल बी बेस? ये कितनी होगी? उसके लिए हमें इसका पता होना चाहिए. अब देखें, इसका मतलब ये है, इफ हॉरिजॉन्टल इज 3 मीटर देन वर्टिकल इज 10 मीटर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अब हॉरिजॉन्टली अगर आप 3 मीटर मूव करेंगे तो वर्टिकली आप 10 मीटर मूव करेंगे. समझ आई? अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में 3 मीटर चलते हैं तो आप वर्टिकल वे में 10 मीटर चलेंगे. मीन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज वर्टिकल? दिस इज 10 एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? दैट इज 3. अगर इसको हम डिवाइड करें, दिस कम्स टू बी 3.333. सिंपली इसको याद रखें. अब यहां पे वर्टिकल कितना है? 6 मीटर. उसकी रेशियो कितनी होगी? सेम जो रेशियो इससे आपको मिल रही है वही रेशियो इस ट्राइंगल की डायग्राम के लिए होनी चाहिए, 3.333. वही पहले वाला सिनेरियो है, वहां पे 1 था इसलिए ये काम नहीं करना पड़ा. अब यहाँ पे 1 नहीं है किसी भी साइड पे, तो हमें मजबूरी है इसको फॉलो करना. तो आप वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो कितनी है वर्टिकल? कितनी है? 6. हॉरिजॉन्टल हमें चाहिए कि ये कितनी होगी? बी. तो उसके लिए हम इसकी जगह पे लिखते हैं 6 मीटर ओवर बी इज इक्वल टू 3.333. तो हमें बी चाहिए, ये बी इधर शिफ्ट होगा, 6 मीटर ओवर 3.333 इज इक्वल टू बी. सो बी विल बी 1.8. It will be 1.8 meters. So we can say that base is 1.8 meter. तो आप देखें इसको आप 3.333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मीटर आएगा. तो अगर आप हॉरिजॉन्टली 3 टाइम्स चलते हैं तो आपको वर्टिकली 10 टाइम्स चलना. मीन वर्टिकल ये स्केलिंग करनी होती है, इसको कहते हैं स्केल डाउन करना या स्केलिंग करना. तो फिगर की स्केलिंग कर लें, अगर आप इस पे 3 मीटर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो वर्टिकली आप 10 मीटर आ रहे होंगे. अगर इस पे 6 मीटर मूव करेंगे वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेंगे? अब यहाँ वो कहता है आप वर्टिकल 10 पे हो तो हॉरिजॉन्टल 3 होता है. अब आप वर्टिकली 6 पे हैं, मीन 10 पे नहीं पहुँचे हैं, टोटल 10 नहीं है, तो फिर कितना होगा? अब इसका एक और भी सिनेरियो है, मतलब जो एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैं इसको अगर आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से हो सकता है. अब पहले एक ट्राइंगल बनाए, उस पे सिर्फ ये वाली चीज़ें बनाए, ये जो उन्होंने स्लोपिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल कितना है 3, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल कितना है 10, ये लिख लें. अब जो आपको साइड गिवन है वो लिखें, 6 मीटर है तो ये 6 मीटर यहाँ पीछे कहीं होगा ना, टोटल 10 है, तो आप 6 यहाँ से रुक के इस तरह से ट्राइंगल बनाए और ये 6 है, टोटल 10, ये 3, तो अब ये कितनी होगी? इसके लिए आप इस ये आइसोसेलीस ट्राइंगल है, या इसको हम कहते हैं सेम सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसको कंपेयर करें, 3/10 हॉरिजॉन्टल ओवर वर्टिकल ऑफ द होल ट्राइंगल, एंड इसको हम बी कह देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल ओवर वर्टिकल ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल. तो इससे भी आप ले सकते हैं, बी विल बी इक्वल टू 6 3 18 10, दिस विल बी इक्वल टू 1.8 मीटर्स. तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम फ्रॉम द प्रीवियस फिगर. अगर इसमें हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं. अब इसको मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये इस तरह से बनता है. इसको आप समझें, ये नहीं है अभी, देखें ये 18 है, सॉरी ये 1:2 है, मीन हॉरिजॉन्टल इज 1 एंड वर्टिकल इज 2. अब आपकी वर्टिकल कितनी है? 18, मीन ये आगे यहाँ कहीं जाकर रुकेगी, टोटल 18 है, तो ये कितनी होगी? ये ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी बेस. तो अब आप इनको कंपेयर करें, हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल 2, स्मॉलर ट्राइंगल,
और हॉरिजॉन्टल कितना है इसका, लार्जर ट्राइंगल का बी है, और वर्टिकल कितना है लार्जर ट्राइंगल का एट है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, तो बी विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करें ज्योमेट्रिकली 9 मीटर। इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो बेस आई 1.8 मीटर है, यहाँ से एरिया निकालें अगर 1/2 इंटू बेस इज 1.8 टाइम्स हाइट इज 6, दिस विल बी 5.4 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया आ गया। यहाँ से आपने W3 निकालना है, W3 विल बी इक्वल टू A3 इंटू गैमा सी, A3 इज 5.4 एंड गैमा सी इज 24, दिस विल बी 129.6 kN/m. So we can say that W3 is 129.6 kN/m. This is the answer for third weight. And now moving towards the fourth weight. That fourth weight is, देखें ये हम consider कर चुके हैं, अब उसके लिए आप पीछे भी देखेंगे कि हम इसको भी consider कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तो फोर्थ फिगर हमारी ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। अब ये साइड कितनी थी, हम पहले निकाल चुके हैं 1.8 मीटर पिछली डायग्राम, और ये हाइट कितनी आ रही है इस रेक्टेंगल की। अगर इस रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये इस तरह की रेक्टेंगल बनती है। ये है तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैं वैसे ही उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। तो ये साइड इसकी 1.8 मीटर है और ये साइड इसकी 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6 6 + 6 12 मीटर। तो एरिया फाइंड करेंगे A4, दैट विल बी इक्वल टू 1.8 × 12, 12 × 1.8 दैट विल बी 21.6 m² एंड W4 विल बी इक्वल टू 21.6 एरिया ऑफ द डायग्राम मल्टीप्लाई विद 24 यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट दैट विल बी 518.4 kN/m. सो W4 इज द 518, मैं इसको नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में हमने इनको ऐड भी करना है, kN/m. अब इसी तरह से हमारी लास्ट फिगर वो जो ये बच गई है ट्राइंगल, इसके लिए हमें चाहिए वैल्यूज। तो इस ट्राइंगल को डील करने के लिए हम यहाँ लाइन लगाएंगे। अब इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है इसको हम थोड़ा सा डील करेंगे इस तरह से। देखें पहले ये बना ले, हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल 10। अब दूसरे केस में देखें वर्टिकल कितना है, 6 and 6 12 है, मीन थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, क्रॉस कर जाएंगे इस पॉइंट को। अगर ये 10 से कम होता तो पीछे इधर रहते, अगर 10 से ज़्यादा तो फिर आगे आए, तो ऑटोमेटिकली बेस भी, ये लाइन सीधी आपने लेके आनी है, जहाँ ये टच कर जाए इसको, तो बेस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो आपको ये ट्राइंगल की बेस चाहिए, ये वाली, ये तो आपकी रेशोज है। तो इसमें ये कितनी है टोटल, 6 + 6 = 12 है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहां से यहां तक 10 है, तो हम इसको 6/10 करेंगे इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल ओवर वर्टिकल ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ द शेप विच वी आर कंसिडरिंग। तो हमारी शेप बी और 12 है, तो हॉरिजॉन्टल ओवर वर्टिकल, तो बी हमें चाहिए, दिस विल बी 7.2 मीटर्स। यहाँ से हमारे पास बी आ जाएगा 7.2 मीटर्स। आप इसको जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, ये मेथड वैसे इजी है। मतलब अगर आप डायग्राम पे ये पहले इसकी रेशोज ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल है 6 और 10 है वर्टिकल, तो हमने 6 को हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ किया और 10 को वर्टिकल पे ड्रॉ किया। सेवन पॉइंट टू हमारे पास बेस आ गई ट्राइंगल की, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे आगे। वेट्स के लिए W5 विल बी इक्वल टू A5 इंटू गामा सी, दिस बेस इज 7.2 मीटर्स। तो 7.2 × A5, व्हाट इज A5, दैट इज 7.2 इंटू हाइट इज 12
7.2 टाइम्स 12 दैट इज 86.4 मीटर स्क्वायर. इसको जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू दी वेट ऑफ द पार्ट 2073.6 किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ वी हैव ऑल फाइव वेट्स. हमें टोटल वेट ऑफ द डैम चाहिए तो उसके लिए हम इनको ऐड कर देंगे. फर्स्ट वेट इज 1944. इट्स डब्ल्यू वन प्लस दिस डब्ल्यू टू 1296 प्लस दिस डब्ल्यू थ्री 129.6 प्लस दिस डब्ल्यू फोर 518.4 एंड द लास्ट वैल्यू दिस डब्ल्यू फाइव. एंड व्हेन वी राइट इट एज डब्ल्यू दिस विल बी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर प्लस डब्ल्यू फाइव इट विल बी इक्वल टू 5961.6 किलो न्यूटन पर मीटर. सो टोटल वेट ऑफ द डैम दिस डैम स्ट्रक्चर इज आफ्टर द एडिशन ऑफ फाइव वेट्स ऑफ डब्ल्यू एरिया वन एरिया टू एरिया थ्री एरिया फोर एंड एरिया फाइव दैट इज इक्वल टू 5961.6 किलो न्यूटन पर मीटर. सॉरी दिस इज जस्ट मीटर. सो इट इज द टोटल वेट ऑफ द डैम एक्टिंग डाउनवर्ड्स. थैंक यू वेरी मच watching my video. If you like my videos, kindly subscribe my channel and refer this channel to other your other fellows. Take care. Allah Hafiz.